नमस्कार साथियों, इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं भारत का संविधान के भाग 5 यानी कि संघ पर चर्चा किया जाएगा। इसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं दोस्तों, और इसमें राष्ट्रपति पे हम आज 3 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करके हम ऐसे ही एक एक करके आर्टिकल्स को जो है पूरा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, और इसमें दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहां से आप देखिए, यहां पे कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में दिया गया है, ये यहां पे आर्टिकल 52 याद रखिएगा। ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र आर्टिकल 53 में किया गया है। तो अब इसमें पहले पार्ट में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 53 का 1 क्या कहता है दोस्तों, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप देखिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों, और या तो जो है राष्ट्रपति स्वयं इसका प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट क्या है, अनुच्छेद 53 का। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में नीत होगा। यानी कि दोस्तों, जब कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 53 का सेकंड, और वह उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम बेयर एक्ट की भाषा को लेके चल रहे हैं, कि बेयर एक्ट को जो है आपको जो है पढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे यहां पे कह रहा है इस अनुच्छेद की कोई बात। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड में क्या कह रहा है, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। तो आप दोस्तों यहां पे आपने आर्टिकल 52 में आपने देखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में देखा कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, इसमें 1 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 54 पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें, अब आगे देखते हैं कि जिसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में दोस्तों नॉमिनेशन को अब संशोधन करके हटा दिया गया है, राज्यसभा में
जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही निर्वाचक राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। ठीक है, तो निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड इसमें नहीं आएगा। इसके बाद कह रहा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, अब यहां पे विधानसभा, ठीक है, यहां पर भी कह रहा है इलेक्टेड मेंबर। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, इनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण के सदस्य होंगे। यहाँ पे दोस्तों राज्य, जब यहाँ पे एक बात चर्चा ये कर रहा है राज्य की, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ स्पष्टीकरण दे रहा है दोस्तों। स्पष्टीकरण में क्या लिखा गया है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55, ठीक है, कह रहा है कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में प्रयुक्त जो राज्य शब्द लिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो राज्य शब्द कहा गया है, इसमें कह रहा है शब्द में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी भी आता है। कह रहा है कि यहाँ राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ये कह रहा है विधानसभाओं के, तो इसमें कौन कौन सी विधानसभा और जो है शामिल की जाएगी। तो कह रहा है कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, यानी कि जो आगे पढ़ा जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें राज्य शब्द जहां प्रयोग किया गया है उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये तीन आर्टिकल आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको जो है कोई पर्सनल क्वेरी है तो कमेंट से जरूर आप बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के अनुच्छेद को लेंगे और उसको जो है अगर कोई पॉइंट उसमें आएगा तो उसको भी डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिए और जानकारियों को जो है लेते रहिए।